नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ, जो कि आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। तो वह समस्या, उस समस्या का नाम है इंद्रलुप्त। आयुर्वेद में उसे इंद्रलुप्त कहा जाता है, और जो सामान्य भाषा में उसे गंजेपन की समस्या कहा जाता है, यानी कि पूरी तरह या तो बाल सिर से झड़ जाएं या फिर बहुत से जगह पर बाल जो हैं निकल जाने के कारण वहाँ पर गंजापन आ जाता है, जिसे इंद्रलुप्त कहा जाता है, यानी कि बालों का लुप्त हो जाना। तो आयुर्वेद में इसे इंद्रलुप्त कहा जाता है। इसके साथ ही दूसरी समस्या भी मैं उद्धृत करूँगा, उसका विवरण मैं आपको दूंगा और उसका उपचार मैं आपको बताऊँगा। दूसरी समस्या है पालित्य। पालित्य का अर्थ होता है बालों का सफ़ेद होना। यदि बाल एक विशेष अवधि में सफ़ेद होते हैं, तो जैसे कि बुढ़ापे में यदि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उस अवधि में बालों का सफ़ेद होना जो है वो सामान्य होता है। परंतु यदि 20-25 वर्ष की अवस्था में, 50 साल के पूर्व, 45 साल के पहले ही यदि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये व्यक्ति को पहले से ही बुढ़ापे का अनुभव देने लगते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह भी एक बहुत बुरी समस्या है। और तीसरी समस्या है बालों का झड़ना। बाल झड़ते ही रहते हैं, थोड़ा सा रिक्त स्थान आ जाता है बालों में, बीच में जो खोपड़ी है, जो ऊपर की चमड़ी है खोपड़ी की, वो दिखने लगती है। बहुत बुरा लगता है। अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी यदि यह समस्या हो जाती है, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो धूमिल होने लगता है। इसलिए ये समस्याएं, ये तीनों समस्याएं, खालित्य यानी इंद्रलुप्त जो है, मतलब कि बालों का खाली होना, बाल पूरी तरह निकल जाएं, गंजापन होना, पालित्य यानी बालों का सफ़ेद होना या पीला पड़ना, तथा जो तीसरी चीज़ है बालों का झड़ते रहना, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल भारतवर्ष के युवा, ज़्यादातर इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। इसका कारण है जो लाइफ स्टाइल है, वो तो इसका मेन रीज़न है कि अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल है, ना व्यायाम करना, ना सुबह उठना, ना रात में जल्दी सोना, रात तक मोबाइल को ताकते रहना, नशे का सेवन करना, दारू पीना, बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन ज़्यादा करना, तथा निरंतर व्यसनों में लगे रहना, व दूसरी चीज़ें जैसे कि मांसाहार ज़्यादा करना या फिर वीर्य का बहुत ज़्यादा निष्कासन, यानी कि हस्तमैथुन आदि ज़्यादा करने के कारण या फिर ज़्यादा ही उन सत्वों को नष्ट करने के कारण भी ये रोग होते हैं। तो लाइफ स्टाइल इसका मेन रीज़न है। दूसरा कारण है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होता है उसको भी यह रोग होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला होता है उसको भी अधिकता में यह रोग मिलता है। मोटे होने से क्यों ये रोग होता है? तो इसका मुख्य कारण है कि जो चर्बी बन जाती है वो शरीर की सप्त धातुओं का पोषण नहीं होने देती, रस्य, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका पोषण नहीं होने देती। तो भाई रस जब शुद्ध और प्योर ब्लड में जब कन्वर्ट नहीं होगा, जब परिवर्तित नहीं होगा, तो जो हमारे पोर्स हैं या स्कैल्प है वहाँ तक यदि ब्लड सर्कुलेशन वेन्स आर्टरीज के थ्रू अच्छे से नहीं जाएगा, तो बालों की वृद्धि कैसे होगी? बालों को पोषण नहीं मिलेगा तो बाल झड़ेंगे, बाल झड़ेंगे तो वह स्थान जो है रिक्त होने लगेगा और गंजेपन की शिकायत हो जाएगी, या फिर वहाँ पे पोषण नहीं मिलेगा तो बाल जो हैं सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है पोषक तत्वों का अभाव, न्यूट्रिएंट्स का खाने में अभाव होने के कारण भी यह रोग होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे विटामिन्स की कमी के कारण, विटामिन डी आदि की कमी के कारण भी यह रोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब कारण है, खटाई, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड्स और जंक फूड्स, बाहर का खाना, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन भी इसका कारण है। तो ये सब जो चीज़ें मैंने इसके कारण में बताई हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। और दूसरे भी कारण होते हैं, कई बार मेंटल स्ट्रेस होना परीक्षा के टाइम पर या फिर करियर के संबंध में, यदि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है या उसको स्ट्रेस होता है, या लव लाइफ ब्रेकअप्स का जो आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा चला है वो होता है,
या फिर पारिवारिक कोई समस्या होती है, कलह होती है, तो उसके कारण भी बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना क्रोध चिंता के कारण ज़्यादा होता है। तो ये मानसिक कारण होते हैं, इनके कारण भी यह रोग ज़्यादा होता है। और कई बार कोई बड़ा रोग जैसे व्यक्ति को हो गया है, जैसे किसी को बहुत एसिडिटी की समस्या थी, या किसी को कोई मेंटल डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, बहुत लंबे समय तक जॉन्डिस रहा आया, पीलिया रहा आया, बहुत लंबे समय तक मोतीछिरा रहा आया, या फिर हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की लंबी शिकायत खींची, या फिर शक्कर की बीमारी यानी जिसको डायबिटीज़, मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ये यदि बहुत लंबे समय तक रही और अच्छे से चिकित्सा नहीं हुई, तो इनके उपद्रव के रूप में भी बाल झड़ने लगते हैं, खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्ता की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेयर फॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, गंजेपन की शिकायत व्यक्तियों को हो जाती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको हेतु बताए हैं जिनसे ये रोग होता है, उन्हें छोड़ दें, सादा खाना खाएं, और जो सिर है उसको निम्बादी चूर्ण आता है, ब्यास का आता है, डावर का आता है, वैद्यनाथ का आता है, निम्बादी चूर्ण 1 चम्मच लें, 1 ग्लास पानी में रात भर उसको रख दें, ठीक है। सुबह उस पूरे पानी को चूर्ण सहित उबाल लें, जब वो आधा ग्लास पानी बचे तो उसको छान कर नहाने वाले पानी में मिला लें और उससे सिर को अच्छे से धोएं, ठीक है। और इससे वहाँ पर जो भी पोर्स हैं या जो भी गंदगी होगी या डेंड्रफ है, ये सब समस्याएं खत्म होने लगती हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैं नुस्खे आपको बता रहा हूँ, उन्हें अच्छे से नोट डाउन करें, ये बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं जिनसे कई व्यक्तियों को लाभ हुआ है, तथा जो व्यक्ति बहुत जटिल समस्याओं से ग्रस्त हैं, गंजेपन से या डेंड्रफ से या सोरियासिस जिन्हें सिर में हो चुका है या बाल झड़ रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, तो यदि वह किसी योग्य चिकित्सक से मिल ले तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे क्लिनिक से भी वो दवाई बुलवा सकते हैं जिनसे उनका जो गंजापन है वो नष्ट हो जाएगा तथा बाल झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत जटिल रोग हो गया है, यदि किसी का बहुत लंबा हो गया तो मेरे क्लिनिक से भी बुलवा सकते हैं। अब जो लोग खर्च नहीं कर सकते या नहीं बुलवाना चाहते, तो उनके लिए मैं एक साधारण सा नुस्खा बता रहा हूँ, उसे नोट डाउन करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और किन और टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर दूसरों को लाभान्वित कर सकूँ। तो सबसे पहले प्रथम नुस्खा जो है, जो आपको दवाई खानी है, तो त्रिफला चूर्ण ले लीजिए आप, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम ले लें, आमलकी रसायन 100 ग्राम ले लें, भृंगराज चूर्ण 100 ग्राम ले लें, तथा सप्तामृत लो 50 ग्राम ले लें। त्रिफला चूर्ण, आमलकी रसायन, भृंगराज चूर्ण और सप्तामृत लो। त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, आमलकी रसायन 100 ग्राम, भृंगराज चूर्ण 100 ग्राम तथा सप्तामृत लो 50 ग्राम, टेबलेट फॉर्म में आती हैं ये सभी चीज़ें, जो है डावर या वैद्यनाथ की आपको लेनी है या किसी और अच्छी कंपनी की लेनी है, तो इनको मिलाकर इनका पाउडर बना लें, मिक्सी में पाउडर बना के इनकी बराबर बराबर आप 60 पुड़िया बना लीजिए, 60 भागों में बराबर बांट के उसकी पुड़िया बना लीजिए, पेपर में या किसी और चीज़ में बना सकते हैं, तो इनकी 60 पुड़िया बना लीजिए या दवा नाप लीजिए 60 बराबर भागों में। तो सुबह खाने के आधे घंटे पहले और रात में खाने के आधे घंटे पहले इनका सेवन शहद के साथ, शहद 1 चम्मच शहद में 1 बूंद घी डाल दें और उसके साथ इनका सेवन सुबह शाम खाने के आधे घंटे पहले करना है, जो पाउडर आपने बनाया है। अब इसके बाद पुनर्नवासव, एक सिरप आता है पुनर्नवासव तथा अश्वगंधा रिष्ट, ये दोनों सिरप हैं, डावर या वैद्यनाथ के ले लें, 1-1 चम्मच सिरप जो है सुबह शाम खाने के 1-1 घंटे बाद बराबर पानी से पीना है, दोनों चीज़ों को मिलाकर 2 चम्मच हो जाएगा, बराबर पानी मिलाकर उसको पीना है, और रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से व्यक्ति को खाना है, जिससे पेट साफ हो, पेट साफ होगा तो दूसरे विकार भी और दूसरे अवरोध भी जो हैं वो पूर्णतः खत्म होने लगते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, त्रिफला चूर्ण, भृंगराज चूर्ण, आमल की रसायन तथा सप्तामृत लोह,
ये तीनों चूर्ण जो है 100 100 ग्राम ले, सप्तामृत लो 50 ग्राम लेकर इनका पाउडर बनाकर सुबह रात खाने के आधे घंटे पूर्व शहद, 1 चम्मच शहद और 1 बूंद घी के साथ खाएं, तथा खाने के 1 घंटे बाद अश्वगंधा रिष्ट 1 चम्मच तथा पुनर्नवा रिष्ट 1 चम्मच डावर या वैद्यनाथ की ले लें, मिलाकर पानी के साथ बराबर मात्रा में खाएं, तथा रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से खाएं। ये तो हो गया आपका सेवन करने वाली दवाइयाँ। अब जो मुख्य चीज़ है, यदि आप इन दवाइयों का सेवन भी नहीं कर सकते, करें तो सोने पे सुहागा है, परंतु सेवन यदि नहीं कर सकते तो एक तेल बना लीजिए, जिससे आपका जो गंजापन है, जो इंद्रलुप्त है, तथा बालों का पकना है, बालों का झड़ना है, ये 5 से 6 महीने उपयोग करने पर पूर्णतः खत्म हो जाता है, नए बाल आने लगते हैं, तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो बाधक था उसका गंजापन, अब उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है, नए बाल आते हैं, सुदृढ़ बाल आते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो नोट डाउन करें, सबसे पहले चाल मोगरा तेल आप ले लीजिए, वैद्यनाथ का मिल जाता है, व्यास फार्मेसी का मिल जाता है, सेवा सदन का मिल जाता है, या दूसरी किसी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, अच्छी आयुर्वेदिक दुकान दवाइयों की दुकान में ये मिल जाएगा। तो चाल मोगरा तेल, चाल मोगरा तेल लगभग 100 ml चाल मोगरा तेल ले लीजिए, लगभग 100 ml करंज तेल ले लीजिए, लगभग 100 ml नीम तेल ले लीजिए, 100 ml चाल मोगरा तेल, 100 ml करंज तेल, 100 ml नीम का तेल, ये ले लीजिए, पंसारी की दुकान पे भी ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और उस तेल में जमाल गोटा का चूर्ण 100 ग्राम तथा डीका माली का चूर्ण 100 ग्राम, डीका माली जमाल गोटा का चूर्ण और डीका माली का चूर्ण 100 100 ग्राम दोनों, ये सभी चीज़ें पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, आप पंसारी के यहाँ ले सकते हैं। जो दवाइयाँ मैंने खाने के लिए बताई वो दवाई की दुकान मिल जाएगी, तथा ये चीज़ें पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएंगी। तो चाल मोगरा तेल, नीम तेल, करंज तेल 100 100 ml तथा डीका माली का चूर्ण 100 ml और चाल जमाल गोटा का चूर्ण 100 ग्राम तथा डीका माली का चूर्ण 100 ग्राम, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर मलहम जैसा बना लें, सेमी सॉलिड मलहम बन जाएगा। और उसको जो मैंने आपको बताया निम्बादी चूर्ण से बाल धोना है, उसके बाद सुबह नहाने के बाद और रात में सोने के पहले उस इस सॉल्यूशन को जहाँ जहाँ पर बाल नहीं है या जहाँ से बाल बहुत झड़ रहे हैं या सफ़ेद पड़ रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से धीरे धीरे 20 से 25 मिनट मसाज करनी है सुबह और रात। ये मसाज करने से, यदि आप दवाइयाँ यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो इस तेल, इस सॉल्यूशन की मसाज करने से वहाँ पर बाल आने चालू हो जाते हैं, नए रोम आने चालू होने लगते हैं, नए रोए आने चालू हो जाते हैं, और 5 से 6 महीने के उपयोग से पूरी तरह गंजेपन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसका यूज़ करें तथा दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस व्यवस्था का पूर्णतः वर्णन करूँगा, इस सभी तेल का वर्णन तथा दवाइयों का वर्णन करूंगा, ताकि यदि आप वीडियो पूरा भी ना देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी चीज़ें आपको मिल जाएं और इसका उपयोग करें, इससे 100% लाभ होता है। तथा यदि आप दूसरी बहुत बड़ी जटिल समस्याओं से, जिसका डिस्क्रिप्शन में वर्णन करूंगा, आप समस्याओं से पीड़ित हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप करें तथा मुझसे कंसल्ट करें। दवाइयाँ यदि आपको बुलवानी है तो दवाइयाँ बुलवा सकते हैं या फिर मेरे क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982633328, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तथा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जो बेल आइकन, जो घंटी दिखाई देती है, उस पर क्लिक करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो यदि डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।